क्या होगा जब चाइना में बने सिलेंडर और इंडिया में बने सिलेंडर को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखा जाए। हम सब तो ये बात जानते हैं कि हाइड्रोलिक प्रेस कितनी ज्यादा पावरफुल होती है, जो कि कुछ ही देर में किसी भी चीज को इजीली डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन आज कौन सा सिलेंडर प्रेस के नीचे ज्यादा देर तक टिकता है? तो चलिए शुरू करते हैं। जब चाइना के बने सिलेंडर को प्रेस के नीचे रखा जाता है तो लगभग 60 टन के प्रेशर पड़ते ही वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है, और जैसा कि सोचा था वो फाइनली 90 टन प्रेशर पे ही पूरी तरह से पिचक जाता है। अब बारी है इंडिया में बने सिलेंडर को प्रेस के नीचे रखने की, लेकिन उससे पहले तो आप फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो यार, कर दो यार। नई चीज करने के लिए पैसा लगता है, मेहनत लगती है, आप लोगों का प्यार लगता है, और आप लोगों का प्यार जाहिर करने का एक ही तरीका है, इस वीडियो को लाइक करना। इस वीडियो को लाइक कर दो, फटाफट से 50 मिलियन करते हैं यार, अब छोटी मोटी रिस्क नहीं खेलेंगे। तो यहाँ जब इंडिया में बने सिलेंडर को हाइड्रोलिक प्रेस का प्रेशर पड़ता है तो फाइनली 130 टन के प्रेशर में ही फट जाता है।